हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टोस्टी किचन। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो एक इजी टी टाइम स्नैक है और आप इसे बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक को ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। और इस रेसिपी का नाम है पोटैटो मसाला बाइट्स। सो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हमने लेने हैं दो उबले हुए आलू, इनको हम मैश कर लेते हैं। अब इसमें ऐड कर दीजिए एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/3 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/3 टीस्पून नमक, आधा छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे मैंने घर पे ही रेडी किया है, 2 से 3 लहसुन की कलियां और 1 इंची का अदरक लेके मैंने उसे ग्रेट कर लिया है और उसके बाद ये पेस्ट तैयार हो गया। अब ऐड करिए 1 बड़ा चम्मच फ्रेश हरा धनिया। अब यहाँ पे मैं मेजर करके 1/2 कप मैदा ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके साथ ही आपको ऐड करना है 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जरा सा भी पानी ऐड नहीं करना है। आलू ऑलरेडी काफ़ी गीला होता है तो उससे क्या है, ये जितना भी मिक्सचर है ये एक डो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे एक अच्छे से सेमी सॉफ्ट डो में तैयार कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये डो रेडी हो गया है। एक टिप है आप लोगों के लिए, अगर इस तरह का डो आपका नहीं फॉर्म हो रहा है मिक्सचर से तो उस केस में इसका मतलब है कि आलू जो है वो थोड़ा सा कम है, तो आप 1 उबला आलू और ऐड करके इस तरह का डो जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब इस डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए और इस पहले पार्ट को हम बेल लेते हैं। अब हम एक कटर की हेल्प से इसको कट कर लेते हैं। जितने भी एक्स्ट्राज हैं उसको रिमूव कर दीजिए। और नाइफ की हेल्प से इस पे डिजाइन बना लीजिए। सो इस तरह से आपके ये जो पोटैटो मसाला बाइट्स हैं ये कुछ पीसेस रेडी हो गए हैं। अब इस तरह से हम बाकी बचे हुए डो को भी पोटैटो मसाला बाइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे डो के जो है पोटैटो मसाला बाइट्स बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ऑयल को ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है। अब हम एक बार थोड़ा सा टुकड़ा डाल के आटे का चेक कर लेते हैं कि ऑयल हो गया है या नहीं। सो ये देखिए, बबल्स आने लग गए हैं, दैट मीन्स ऑयल परफेक्टली गर्म हो चुका है। सो चलिए इन्हें फ्राई करना स्टार्ट कर लेते हैं। Thank you.
आपने इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर ही सेकना है और कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप इन्हें फ्राई करिए ताकि ये अच्छे से पक जाए। क्योंकि ऑयल ऑलरेडी गर्म था तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। हम इन्हें फ्लिप कर देते हैं। ये परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए पीसेस को भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पोटैटो मसाला बाइट्स जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे सॉस के साथ या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए जो हमने इस पर पैटर्न बनाए थे वो कितने सुंदर से फ्राई होने के बाद उभर के आए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आई एम श्योर आपके घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक को ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टोस्टी किचन। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।